हेलो एवरीवन, माय नेम इज नेहा गुलानी। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आज मैं आपके साथ कोरोना वायरस की वजह से जो सिचुएशन बनी हुई है उसके एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे बात करने वाला हूँ। सो लेट्स सी व्हिच प्लैनेट्स आर रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड दिस। सबसे पहले प्लैनेट गुरु नवंबर 2019 में अपनी धनु राशि में प्रवेश किया था। उसी समय शनि और केतु दोनों पहले से ही मौजूद थे। अगर आपने ध्यान दिया हो तो दिसंबर एंड से कोरोना वायरस के केसेस हमें ज्यादा सुनने में आए एंड इट हैज स्टार्टेड अफेक्टिंग ग्लोबली। फिर उसके बाद 24 जनवरी को शनि गुरु और केतु की युति को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश किया और उसके बाद सिचुएशंस और भी एक्सट्रीम हो गए। अब मैं आपका ध्यान एक इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ ले जाना चाहूंगी कि वायरस एपिडेमिक ही क्यों, कोई और कैलमिटी भी हो सकती थी, क्योंकि जब राहु और केतु की युति हो या फिर उनके प्लेसमेंट से ऐसी पेंडेमिक सिचुएशंस बनती हैं। एट प्रेजेंट राहु इज इन आद्रा नक्षत्र और मिथुन राशि एंड केतु इज इन मूल नक्षत्र और धनु राशि। ये दोनों प्लैनेट जब खुद के नक्षत्र में होते हैं तो अपना पावरफुल इम्पैक्ट शो करते हैं। वेल, इन दोनों प्लैनेट्स का खुद का कोई सोलर सिस्टम में एग्जिस्टेंस नहीं है, बट स्टिल दे शो इम्पैक्ट इन इंडिविजुअल्स लाइफ। सेकेंडली, और जब गुरु और केतु की युति हो तो ऐसी सिचुएशंस की इंटेंसिटी और बढ़ जाती है, क्योंकि एस्ट्रो साइंस में माना गया है कि गुरु जीव का कारक है और किसी भी चीज की इंटेंसिटी को बढ़ाता है। जैसे वायरस की शुरुआत चाइना से हुई और इंटेंसिफाइड होकर पूरी दुनिया में फैल गई, इट मींस जब तक गुरु और केतु की युति रहेगी तब तक इस वायरस से मुक्ति मिलना पॉसिबल नहीं है। बट वी आर फॉर्चुनेट कि कुछ ही दिनों में प्लैनेट्स ट्रांजिट हो रहे हैं और 30 मार्च को गुरु केतु की युति को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश होने जा रहा है। इसके बाद सिचुएशन में अपने आप सुधार होता दिखाई देगा, पर इसकी शुरुआत 24 मार्च से हो जाएगी। और अगर हम इस दिन को ध्यान से देखें तो प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे हैं कि गुरु और केतु दोनों अभी भी साथ में हैं और मंगल जो अभी तक धनु राशि में था वो 23 मार्च को मकर राशि में प्रवेश करने जा रहा है। इसके नेक्स्ट डे 24 मार्च से नए साल की शुरुआत होती है। सो थोड़े बहुत चेंजेस हमें 24 मार्च से दिखाई देंगे, बट इफेक्टिव रिजल्ट्स 30 मार्च से दिखाई देंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्लैनेट सूर्य, जो हमें इस वायरस से मुक्ति दिलाने में मदद करेगा, जो अपनी उच्च राशि मेष में 13 अप्रैल को एंटर होने जा रहा है। तो इधर हमें इसकी वैक्सीन मिल जाएगी या हम इस डेडली सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। सो डोंट पैनिक, इट्स अ मैटर ऑफ यू वीक्स, स्टे पॉजिटिव एंड बी एट होम। थैंक यू।